स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे भाई वर्ल्ड कप की। आज मुकाबला था साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लिए थी आज आखिरी उम्मीद, जो कि उनकी बुरी तरीके से टूट गई। पाकिस्तान मुकाबला हार गया और आप कह सकते हैं ऑफिशियली कि भाई वो हो चुका है वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान का हो चुका है टाटा बाय बाय, जो जिसे बोले कि लगातार चौथी हार, पहले इंडिया से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर अफगानिस्तान से और फिर साउथ अफ्रीका से। तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन ओवर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुआ है, पॉइंट्स टेबल में क्या उलटफेर हुआ है, पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई भारत आ गया है दूसरे नंबर पर। वो इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका के हैं ज्यादा मैचेस, 6 मुकाबले हैं, 6 में से 5 जीत हैं। ज्यादा मुकाबले जो टीम खेलती है वो ऊपर आ जाती है और नेट रन रेट में भी वहाँ पे इजाफा हुआ होगा जीत के साथ, क्योंकि प्लस में ही रहता है और +2 में उनका नेट रन रेट था। आपको पूरा टेबल बताएंगे कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है, पाकिस्तान इस हार के बाद कहाँ पे स्टैंड करता है वो भी आपको बताएंगे। टेबल खोल लेते हैं भाई। टेबल की बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेली, बहुत ही बेकार किस्म की क्रिकेट खेली। 270 वो बनाती है, फिर बॉलिंग में वहां पे फंसा भी लेती है साउथ अफ्रीका को, लेकिन उनके जो लास्ट के बैटर हैं तबरेज शमसी और केशव महाराज वहां की जिसे बोले कि बैटिंग से जो उन्होंने जिंदगी भर में सीखा होगा आज सबको लगा दिया उन्होंने कि भाई आज जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, बैटिंग कोचेस से सीखा है, वो आज हम सारा अप्लाई कर देंगे। और आज करा और अपनी टीम को मैच जिताया भाई। पॉइंट टेबल पे आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका ने 6 मुकाबले खेले हैं, 6 में से 5 उनकी जीत है, 1 में उनको हार मिली है जो कि नीदरलैंड से उनको हार मिली थी, डरावने सपने जैसी वो हार थी। 10 उनके अंक हो चुके हैं, +2.032 का उनका नेट रन रेट है। फिर आते हैं इंडिया पर, 5 मुकाबलों में 5 जीत, 10 उनके पॉइंट है और जो नेट रन रेट है +1.353। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है, 5 मुकाबले खेले हैं, 1 में उनको हार मिली थी जो कि इंडिया ने उनको हराया था। तो न्यूजीलैंड के 5 मैचों में 4 जीत है, 1 हार है, 8 उनके कुल अंक हैं। नेट रन रेट की बात करें तो +1.481 उनका नेट रन रेट है। और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे, शुरुआत के 2 मुकाबले हारती है, आखिर के बाद के 3 मुकाबले जीतती है, जिसकी बदौलत वो 3 जीत के साथ चौथे नंबर पे है, 6 उनके पॉइंट है, +1.142 का उनका नेट रन रेट है। श्रीलंका ने भाई लास्ट मैच तगड़े तरीके से जीता, 5 मुकाबलों में 2 जीत, 4 उनके पॉइंट है, -0.205 का उनका नेट रन रेट है जो कि पाकिस्तान से बेहतर है। 2 जीत इनके भी हैं, 2 जीत पाकिस्तान के भी है, तो श्रीलंका इस वजह से ऊपर भी है। पाकिस्तान की बात करें, आज मुकाबला वो हार गए, बहुत दुख हुआ मुझे। और पाकिस्तान बाहर जब जाती है तो दुख बहुत होता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान को भी कभी कभी सपोर्ट करता हूँ। 6 में से 2 जीत हैं, 4 इनके टोटल अंक है, -0.387 का इनका नेट रन रेट है, जिसकी वजह से वो छठे पायदान पर है। अफगानिस्तान बहुत बढ़िया क्रिकेट इस टूर्नामेंट में उन्होंने खेली, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया। अफगानिस्तान 5 मैच में 2 जीत 4 उनके पॉइंट है, -0.969 का नेट रन रेट है, जिसकी बदौलत ये 7वें नंबर पे है। 8वें नंबर पे बांग्लादेश, 5 मैचेस में 1 जीत 2 इनके पॉइंट है, -1.253, वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय इनका हो चुका है। इंग्लैंड 5 मैच में से 1 जीत 2 इनके पॉइंट है, -1.634, इनको भी टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। नीदरलैंड इंप्रेसिव गेम इन्होंने जो साउथ अफ्रीका को हराया था, मजा आया था, 5 में से 1 जीत 2 इनके पॉइंट है, -1.902, इनको भी टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, इंप्रेसिव क्रिकेट खेलने। तो भाई ये पॉइंट टेबल की हालत थी, ये डिटेल थी। और आपको स्पोर्ट्स नाउ पे हमारी कवरेज कैसी लग रही है वो भी आप बताएं, हमारी जो कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट से। फिलहाल जय हिंद जय भारत।